देखिए, रिलायंस जियो कल अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज को लॉन्च करने का ऐलान कर सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी इसका ऐलान कर सकते हैं। एजीएम की तैयारियों का जायजा लिया मेरे सहयोगी अनुराग शाह ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 41वीं एजीएम मुंबई के बिरला मातोश्री ऑडिटोरियम में होगी और आप देख सकते हैं कि एजीएम को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। इससे पहले जो दो एजीएम थी रिलायंस की, उनका फोकस रिलायंस जियो के ऊपर था। 2016 में रिलायंस जियो के टैरिफ प्लान लॉन्च हुए, 2017 के अंदर जियो फोन लॉन्च हुआ और ये उम्मीद ये की जा रही है कि जो एजीएम होगी 41वीं एजीएम, इसमें जियो का जो ब्रॉडबैंड सर्विस है उसको लेकर कुछ ऐलान हो सकते हैं। जियो फाइबर के नाम से इस सर्विस का कल ऐलान कर सकते हैं मुकेश अंबानी, जिसके अंदर 100 GB जो पर मंथ डेटा दिया जाएगा 100 MBPS की स्पीड से और करीबन 4,500 रुपए का आपको डिपॉजिट देना होगा। इसके अलावा जो कंज्यूमर बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उससे जुड़े कुछ ऐलान हो सकते हैं और उसमें एक टाइमलाइन दी जा सकती है कि आगे चल के कोर बिजनेस को कंज्यूमर बिजनेस के साथ करना है। जिस तरह से जो पिछली एजीएम थी उसके अंदर 1:1 बोनस का ऐलान किया था, तो इसके बाद इस एजीएम के अंदर भी शेयर होल्डर्स को कुछ उम्मीद है कि किस तरह के और ऐलान करते हैं। इसके अलावा जो 20,000 करोड़ एनसीडी से जुटाने हैं तो उसकी भी शेयर धारकों से मंजूरी ले सकते हैं कल मुकेश अंबानी। इसके अलावा एक और जो चीज है जिसपे शेयर धारकों से मंजूरी ली जाएगी कि अप्रैल 2019 के अंदर मुकेश अंबानी का जो चेयरमैन पद है उसका टेन्योर पूरी हो रहा है, तो 5 साल और चेयरमैन के लिए शेयरधारक से मंजूरी मांग सकते हैं। तो ये जो तमाम ऐलान है, ये जो रिलायंस की 41वीं एजीएम है उसमें हो सकते हैं, तो हमारी नजर बनी रहेगी रिलायंस की एजीएम के लिए।